सब आई होप यू आर ऑल इज वेल। सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो आशा करती हूँ आपको जो अपना हर दिन का कार्य हर दिन करते होंगे बेटा, तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 1 है। ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है कक्षा 8 की। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 11 सितंबर 2020 यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट है आपकी। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। संसाधनों से परिचय, तो संसाधनों से परिचय है जो इसका विषय है इस वर्कशीट का। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए वह उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। देखिए बेटा, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम उन्हें संसाधन के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले तालिका में क्या दिए गए बेटा? घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, भोजन जो हम खाते हैं, उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, अन्य कोई भी वस्तु। तो सबसे पहले है बेटा घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर बनाने में बेटा कौन कौन सी चीजें प्रयोग होती हैं? जैसे कि ईंट, ईंट प्रयोग होती है, वो किससे बनती है? मिट्टी से। लोहा, लोहे का प्रयोग किसमें होता है बेटा? दरवाजे बनाते हैं हम लोहे के। और इसके बाद लकड़ी है, लकड़ी का प्रयोग किसमें होता है? लकड़ी का भी हम दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेज, टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इसके बाद सीमेंट होती है जो घर बनाने में काम आती है, सीमेंट की जो। नेक्स्ट है घर में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर में कौन सी सामग्री प्रयोग होती है बेटा? पलंग प्रयोग होता है। पलंग किस चीज का बना होता है? लकड़ी का बना होता है। अलमारी होती है बेटा जो लोहे की बनी होती है, लकड़ी की भी बनी होती है। नल होते हैं, ये किस चीज के बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। और भी घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट बेटा रसोई या बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। तो रसोई में जैसे चम्मच हो गई, किस चीज की होती है बेटा? स्टील की होती है। हम प्लास्टिक का भी बहुत सारा सामान यूज करते हैं रसोई घर में। और इसके बाद पतीला होता है, सिल्वर के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं। साबुन यूज करते हैं हम बाथरूम में। बाल्टी यूज करते हैं बेटा, वो बाल्टी बकेट यानी कि प्लास्टिक की भी होती है, सिल्वर की भी होती है। नेक्स्ट है भोजन जो हम खाते हैं। भोजन यानी कि जैसे पशु से क्या मिलता है हमें? दूध मिलता है। प्रकृति से क्या मिलता है? चावल मिलते हैं। अंडा मिलता है किससे? मुर्गियों से। फल किससे मिलते हैं बेटा? फल मिलते हैं पेड़ पौधों से। किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से। इस प्रकार जो सारी चीजें हम रसोई में प्रयोग करते हैं, खाते हैं, उनको यहाँ पर लिखना है हमें। उसके बाद है उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, जैसे कमीज हो गई, किस चीज की बनती है? सूती, सूत की बनती है। स्वेटर बेटा ऊन का बनता है। साड़ी रेशम की बनती है। तो इस तरह हम ये चीजें यहाँ पर लिखेंगे। अन्य कोई भी वस्तु जैसे ईंधन, पेट्रोल, गैस हो गई, यहाँ पर हम गैस लिख देंगे, डीजल लिख देंगे। तो ये किससे मिलता है बेटा? हमें ईंधन से मिलता है। नेक्स्ट बेटा कि अब इन वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभाजित कीजिए। जो ये वस्तुएं जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, इनको दो श्रेणियों में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे? जो वस्तुएं जिन वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य बेटा किसका होता है? देखिए जैसे लोहे का भी आर्थिक मूल्य होता है। अगर वो वेस्ट लोहा है तो नहीं होता, अगर वो काम का है तो होता है। लकड़ी, लकड़ी के भी हम दरवाजे बनाते हैं, उसका भी आर्थिक मूल्य होता है। फलों का भी आर्थिक मूल्य होता है, हम बाजार से लेकर आते हैं। जो है उस सिल्वर का भी मूल्य होता है बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे सिल्वर। क्योंकि बेटा आजकल कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका मूल्य नहीं है, हर चीज का मूल्य है। यहाँ पर अगर हम कमीज लाएंगे तो सूत का मूल्य है, ऊन का मूल्य है, रेशम। अगर पेड़ पे कीड़ा होता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता बेटा, लेकिन अगर रेशम को अगर हम फैक्ट्री में लेके जाते हैं और फिर उसकी साड़ी बनाते हैं तो उसका भी मूल्य होता है। और ईंधन, ईंधन का जो प्राकृतिक है बेटा, इसके लिए जो पेट्रोल हम खरीदते हैं, पेट्रोल का मूल्य होता है। और जो ईंधन है वो हमारी प्राकृतिक है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। और गैस का भी मूल्य होता है, आप लोग घरों में यूज करते होंगे, तो हम जो है गैस को खरीदते हैं। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, तो देखिए बेटा जैसे मिट्टी है,
मिट्टी को हम जब चीजें बनाने से पहले उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। इसके अलावा जैसे खराब चीजें होती हैं जो उनका कोई मूल्य नहीं होता, और जैसे रेशम का कीड़ा हो गया, उसका कोई मूल्य नहीं होता, अगर हम उसको पनपाते हैं तब उसका मूल्य होता है। ईंधन है जब हम घरों में उगाते हैं उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब हम खरीद के लाते हैं तो उसका मूल्य होता है। नेक्स्ट है बेटा, क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? कारण बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा कि हाँ, दोनों ही प्रकार की सामग्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जिनका मूल्य है वो भी और जिनका मूल्य नहीं है वो भी। इन सामग्रियों का प्रयोग करके हम नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि कच्ची वस्तुओं और पकी हुई वस्तुओं, दोनों ही वस्तुओं का हम यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, इनका पेड़ पौधों का मूल्य नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको उगाएंगे, इनका सेवा पानी करेंगे तो ये जो है खरीदी नहीं जाती। नेक्स्ट बेटा कि समय एवं तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी कि मान लिया कोई वस्तु है बेटा, अगर हमारे पास समय है और तकनीकी ज्ञान है तो हम उस वस्तु को जो है संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लिया बेटा, हम एग्जांपल लें जैसे पानी है, पानी को अगर हम जो है तकनीकी का और समय का ही प्रयोग करके उससे क्या बनाते हैं, हम बिजली बनाते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधि पौधे को शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य न हो, परंतु समय एवं तकनीकी की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उसे दवाई बना लेती देती है तो उस पर पेटेंट करवा लेती है। पेटेंट यानी कि अपना नामकरण करवा देती है बेटा, तो वह क्या बन जाती है, संसाधन। पेटेंट का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पर, इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार होना, यानी कि जब वो दवाई बन जाती है तो उस पर जो भी कंपनी बनाती है उसकी जो मोहर लग जाती है उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। और तकनीक क्या होता है बेटा, तकनीक होता है नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थे। तो देखिए बेटा, अगर आप अपने परिवार वालों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं लेकिन पहले नहीं करते थे। सबसे पहले हम देखें मोबाइल, मोबाइल का आजकल इतना क्रेज हो रखा है कि आपकी जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन लगती हैं। आप क्लासेस के द्वारा, आप इन मोबाइल के द्वारा ही आप जो है वर्कशीट को आप समझ पा रहे हैं। फ्रिज होता है, फ्रिज में जो ठंडी वस्तुएं होती हैं हमारी, खराब भी नहीं होती वो, जो पहले नहीं थे फ्रिज लेकिन आज हैं। वॉशिंग मशीन भी बेटा पहले नहीं थी लेकिन आज हैं। एयर कंडीशनर हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी जैसे आप बहुत सारी चीजें लेंगे, बिजली, बिजली भी पहले बहुत कम थी बेटा, और जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने दादा दादी से बात कीजिए तो इनसे पता चलेगा कि बेटे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टाइम पर आप लोगों को सुख सुविधाएं मिली हुई है, पहले वो सुख सुविधाएं नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो किस लिए वजह से कर पा रहे हैं बेटा, समय होने के कारण और तकनीकी ज्ञान होने के कारण। तो समय व तकनीकी बचाने के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा अगर तकनीकी नहीं होती और समय नहीं होता तो हम इन चीजों का उपयोग नहीं कर पाते, और आज इन तकनीकी ज्ञान की वजह से और समय बचाने के लिए हम इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। अगर हमारे पास बेटा फैसिलिटी है तो हम उनका यूज जरूर करते हैं। नीचे बेटा ये तो हो गई हमारी वर्कशीट, अब आपके क्वेश्चंस हैं। उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले है कि किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये है कि बेटा जो है वो मनुष्य के काम आनी चाहिए वो जो संसाधन है। तो अगर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वो जो है संसाधन यूज में होते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समय और तकनीक। अगर हमें तकनीकी ज्ञान है और हमारे पास समय है तो इन चीजों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है, अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, इसका आंसर हम लिखेंगे
कि समय एवं तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। जैसे यानी कि तभी हम क्या कर सकते हैं, हम वस्तुओं को संसाधित, कोई भी किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर एग्जांपल जैसे रेशम है बेटा, रेशम का कीड़ा जो है पेड़ों पर लगता है, वो रेशम देता है हमें। अगर कारीगर इस तकनीक व समय का प्रयोग करके ही उसको धागे के रूप में बदलता है, अगर वही जो है पेड़ पर ही लगा रहेगा तो उससे ना तो हमें वस्त्र मिलेंगे और ना ही कोई भी चीज बन पाएगी। और दूसरा है मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग करके ही बेटा कुम्हार या कारीगर अनेक प्रकार की चीजें जैसे मटके, मूर्ति आदि बनाता है। हमारे लिए क्या बनाता है, जैसे जिसमें हम पैसे इकट्ठे करते हैं, गुल्लक भी बनाता है और भी बहुत सारी मूर्तियां बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है मिट्टी का प्रयोग करके। तो ये किस चीज से बेटा, समय और तकनीकी ज्ञान से। नेक्स्ट बेटा की तालिका दी गई है एक, कि तालिका एक में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यानी कि वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं बेटा, रेशम होता है, लकड़ी होती है, मिट्टी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो इनसे, इन वस्तुओं से मनुष्य द्वारा क्या बनाया जाता है। रेशम से बेटा देखो सूत बनाया जाता है, सूत से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। लकड़ी होती है, जो लकड़ी से क्या बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, खिड़की बनती है, बेड बनते हैं, पेंसिल बनती है, माचिस की तिल्लियां बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। मिट्टी, मिट्टी से क्या बनता है बेटा, ईंट बनती है, घर बनते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या देते हैं बेटा, पेड़ पौधे तो हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो क्या देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, औषधि देते हैं, हमें ईंधन देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। आपको यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो भी आपको ध्यान में आए वो आपको यहाँ पर सारी चीजें सोच विचार कर आपको लिखनी है। आई होप इट आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।